सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस के 3 टाइप्स और रह गए हैं स्पेशल, उनको डिस्कस करेंगे, उनके ग्राफ्स देखेंगे और 2 हमारे पास एग्जांपल्स रह जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 के, उन्हें देखेंगे। तो 3 टाइप्स और रह जाती हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले अब हमारे पास आ जाता है मॉडुलस फंक्शन। इससे पहले भी मैं कई टाइप्स के फंक्शन आपको, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज और ग्राफ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ। ये अब 3 फंक्शंस मैं यहाँ आपको कराने जा रही हूँ, मॉडुलस, सिग्नम एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो थोड़े से टिपिकल हैं लेकिन इजी भी हैं, अंडरस्टैंडेबल भी हैं, तो आपने बड़े ध्यान से समझना है। मॉडुलस फंक्शन ये शब्द शायद पहले नहीं आया है आपके पास, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और ये मैं क्लियर कर दूं कि ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर्स पर डिफाइन होता है, ठीक है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन हम कर रहे हैं और उसको कैसे डिनोट किया जाता है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, हम क्या लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स को मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है। 2 बार लगाकर उनके बीच में एक्स लिख दिया जाता है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये मॉडुलस ऑफ एक्स है तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने यहाँ पर लेनी है। क्या मतलब है इस बात का, हम इसको 2-3 एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक्स हमारा 1 है तो यहाँ हम मॉडुलस, देखो इसको बोलते कैसे हैं, फिर बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, फिर लिख रही हूँ, ये हो जाएगा बेटा मॉडुलस ऑफ एक्स। इस सिंबल को 2 बार जो मैंने लगाए हैं और उनके बीच में जो मैंने एक्स लिखा है, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। और अगर यहाँ इसमें मैंने एक्स के प्लेस पर 1 लिख दिया तो इसका मतलब 1 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया एक्स के प्लेस पर तो इसका मतलब 2 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ 3 लिखा है तो 3 आएगा, 0 लिखा है तो 0 आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो भाई ये ऐसे समझो कि ये एक लाइन है और मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मैं इधर 1, 2, 3 डिस्टेंस तक मैं चली हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी मैं +3 चली हूँ, क्लियर। अगर मैं बैकवर्ड चलती हूँ तो ये मेरी डिस्टेंस होगी -1, -2 एंड -3, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी टोटल डिस्टेंस है वो -3 होगी। बट मेरे द्वारा कवर की गई डिस्टेंस की जो इंस्टेंट, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो 3 ही कंसीडर की जाएगी। माइनस केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ, प्लस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मैं फॉरवर्ड जा रही हूँ, लेकिन इन बोथ साइड्स आई एम कवरिंग 3 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। इधर भी मैंने 3 ही यूनिट कवर किए हैं और इधर भी, तो मेरे द्वारा कवर की गई डिस्टेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 है। गॉट इट। कोई टेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट्स हैं ए और बी। ए के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आए थे 15 मार्क्स और बी के आए थे भाई 10 मार्क्स, क्लियर, बात को समझेंगे। सेकंड यूनिट टेस्ट में ए के आते हैं 13 मार्क्स और बी के आते हैं 12 मार्क्स, ठीक है भाई। तो ए के जो मार्क्स हैं वो -2 यानी कि 2 लेस हो गए हैं, बी के मार्क्स +2 हो यानी कि 2 बढ़ गए हैं, लेकिन दोनों में जो एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है, ए के मार्क्स में भी 2 का चेंज आ रहा है, बी के मार्क्स में भी 2 का चेंज आ रहा है, प्लस माइनस हम बाद में देखते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब किसी रियल नंबर को उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बिना देखना, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना, उसकी डायरेक्शन को नहीं देख रहे हैं हम वहाँ पर। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, हम डायरेक्शन को नहीं देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जस्ट द वैल्यू, जस्ट द मेजरमेंट,
ऑफ द नंबर, क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर अगर बात करती हूँ माइनस वन की, तो माइनस वन की एब्सोल्यूट वैल्यू वन ही आएगी, माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस टू आएगी, प्लस हम नहीं लगा रहे यहाँ पर, माइनस थ्री की वैल्यू थ्री आएगी और माइनस हंड्रेड की वैल्यू हंड्रेड आएगी एंड सो ऑन। गॉट माई पॉइंट? यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि इस बार के साइन, इस दो दो बार मैं इनको बोलूँगी, दो लाइंस के बीच में अगर एक्स आ जाता है तो इट मीन्स हमें एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो इसके इस साइन के अंदर आने वाली टर्म्स आइदर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाहर आकर वो पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती हैं, उनका नेगेटिव वाला साइन कंसीडर नहीं किया जाता। उस साइन में आने वाले नंबर की केवल एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर की जाती है, चाहे वो नंबर पॉजिटिव है चाहे वो नंबर नेगेटिव है। क्लियर है आपको यहाँ तक? इस चीज़ को मैं अगर आपको एरो डायग्राम से बताऊँ, एरो डायग्राम थोड़ा हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहेंगे क्योंकि ऊपर ग्राफ भी आएगा। तो ये देखिए एक बार जरा ध्यान से, रियल्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी मैं आपको निकाल के दिखाई है, मैंने 0, 1 की 1, 2 की 2 होती है, 3 की 3 होती है, 4 की 4 होती है और भाई 5 की 5 होती है। ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। माइनस वन की 1 हो जाती है, माइनस टू की इमेज 2 हो जाती है, माइनस थ्री की इमेज 3 हो जाती है, माइनस फोर की इमेज 4 हो जाती है। तो हम क्लियरली एरो डायग्राम से देख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर की इमेज या तो 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इमेज का मतलब क्या है? ये हमारी मैपिंग है F, यहाँ X है और ये हमारा Fx है जो कि मैंने क्या डिफाइन किया है, मॉडुलस ऑफ X, और वो मॉडुलस ऑफ X आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये क्लियर होता है कि मॉडुलस ऑफ X इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप का अगर हमें कोई नंबर मिल रहा है तो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरी बात, डोमेन, अभी मैंने बहुत कुछ छोड़ रखा है यहाँ पर, इसका जो डोमेन है, आप देखो कोई भी रियल नंबर डाल लो, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए डाला है। अगर मैं डालती हूँ -1.5 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1.5 आ जाएगी, अगर मैं इसमें डालती हूँ 1.3 बार तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1.3 बार आ जाएगी। तो मीन्स हर रियल नंबर के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो एवरी रियल नंबर होगा, कोडोमेन भी रियल्स होगा, लेकिन जो इसकी रेंज होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ मैंने डोमेन और रेंज आपको बता दी, लेकिन फंक्शन अभी तक भी नहीं बताया है मैंने आपको, फंक्शन केवल न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है। तो अब जो यह फंक्शन मैं लिखने जा रही हूँ वो ज़रा बड़े ध्यान से आपने समझना है। एक बार आप फिर से यहाँ देखें कि ये जितने भी नंबर्स हमने यहाँ लिए हैं x, वो सारे ग्रेटर देन 0 हैं, ये वाला x इक्वल टू 0 है, और ये जितने भी x यहाँ तक मैंने लिए हैं वो सारे क्या हैं, लेस देन 0 हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूँ मैं? बहुत ध्यान से समझना है। मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक मशीन होती है। आप इसको ओवल ले लीजिए, रेक्टेंगुलर ले लीजिए, काइट की शेप में कैसे भी ले लीजिए, ये एक फंक्शन है। इसमें हम कुछ डालते हैं इनपुट, तो इसकी जो फंक्शनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई आउटपुट बाहर निकल के आता है। तो अगर मैंने इसके अंदर एक्स डाला है तो बाहर उस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आएगी। तो अब मैं इसमें जो x डाल रही हूँ, इन तीन केस में जो मैंने x डाले हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो वो एज इट इज़ बाहर आ रहे हैं, आप देख सकते हो। क्लियर? जैसा x मैंने डाला वैसा ही बाहर आ गया। तो इट मीन्स इस केस में जो fx है वो क्या बन गया, x बन गया। क्लियर? एज इट इज़ बाहर आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन की तरह जो डालोगे वही बाहर निकल रहा है। सेम विद 0, तो उसमें भी एज इट इज़ ये आपका बाहर आ रहा है। लेकिन जब मैं इसमें कोई नेगेटिव नंबर डालती हूँ इनपुट में, ध्यान देना, मैंने इनपुट में डाला -5 और बाहर निकल कर आया +5। बहुत ध्यान से, इनपुट में -3 था बाहर आया +3, इनपुट में -2 था बाहर आया 2, अंदर मैंने -1 डाला था बाहर आ रहा है +1। तो क्या जो नंबर हम डाल रहे हैं वो एज इट इज बाहर आ रहा है?
नहीं आ रहा है, उसका साइन चेंज होके बाहर आ रहा है। क्या साइन चेंज हो रहा है? ऑलरेडी नेगेटिव था और उसका भी नेगेटिव होके बाहर आ रहा है। तो जो नंबर हमने इनपुट में डाला था उस पर भी एक माइनस लग कर बाहर आ रहा है। तो अंदर नेगेटिव नंबर जल रहे थे उनका भी नेगेटिव, देखो ये x नेगेटिव है, x नेगेटिव है और नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगेगा तो ओवरऑल तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम फंक्शन को किस एंगल से देखते हैं? फंक्शन को हम इनपुट के एंगल से देखते हैं। जब मैंने अंदर नेगेटिव वैल्यूज डाली हैं तो बाहर नेगेटिव का नेगेटिव आ रहा है। तो अब मैं इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन करने जा रही हूँ कि मॉड एक्स क्या होता है। अब एक्स क्या है? रियल लाइन है। तो रियल लाइन को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, जीरो, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो। और इन्हीं तीन पार्ट्स में मैं आपको यहाँ फंक्शन बताने जा रही हूँ कि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, बहुत ध्यान से समझना, ये सब चीज़ें भूल जाओगे आप बाद में, बस यही याद रहना है कि अगर x पॉजिटिव है, x मीन्स ये वाला इनपुट अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो एज इट इज बाहर आएगा। लेकिन अगर आपका x लेस देन जीरो है तो ये माइनस एक्स बन के बाहर आएगा। गॉट इट? समझ आ रही है मेरी बात आपको? इसी फंक्शन को मैं कंबाइन करके फिर लिख देती हूँ। इन दोनों रिजल्ट्स को अब मैं कंबाइन कर रही हूँ कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मोड एक्स एक्स ही रहता है, एंड व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो तो मोड एक्स माइनस एक्स बन जाता है। अब कई बच्चों को ये माइनस तंग कर देता है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, लेकिन आप ये बात को समझो कि एक्स नेगेटिव है, केवल x नेगेटिव है और नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा और यहाँ x पॉजिटिव है ही, तो ओवरऑल जो हमारा मोड x है बेटा जी वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अब मैं इस फंक्शन के जब डोमेन की बात करती हूँ, डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो वो सारे के सारे रियल्स होंगे। और जब मैं इसकी रेंज की बात करती हूँ तो जीरो टू इन्फिनिटी, या मैंने बताया था ऑल रियल्स यूनियन जीरो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बच गया अब इस फंक्शन का ग्राफ। तो ग्राफ के लिए वैसे तो ये टेबल यहाँ बनी हुई थी बट स्पेस थोड़ा कम था, तो मैं अभी आपको छोटी सी टेबल बना के दिखाती हूँ, फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर अब मैं टेबल बनाती हूँ। ये मैंने यहाँ x लिखा, y का मतलब है एफ एक्स और एफ एक्स का मतलब है मॉड एक्स। हम देख रहे हैं कि तीन तरह का हमारा जो है r का पार्टीशन होता है, जीरो, जीरो से बड़ी कुछ वैल्यूज ले दी मैंने और जीरो से छोटी। तो जीरो पर जीरो, वन टू थ्री फोर, वन टू एंड थ्री। क्लियर? ड्रॉ द कार्टीजियन एक्सिस, कार्टीजियन एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं, जीरो पर जीरो ध्यान देंगे, वन पर वन, टू पर टू, थ्री पर थ्री, ये तो ना ये वाला जो ग्राफ है हम पहले भी कर चुके हैं, याद कीजिए, कहाँ किया है? आइडेंटिटी फंक्शन में किया है हमने। तो ये जो पूरी लाइन यहाँ पर 45 पर बाइसेक्ट करते हुए जाती है वो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होती है, लेकिन ये नीचे नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव पे हमारी इमेज नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव पे भी हमारी इमेज यहाँ पॉजिटिव है। तो उस लाइन का ये आधा हिस्सा तो ये चला जाता है आपका, जो कि है y इज इक्वल टू एक्स, और माइनस वन पर वन, माइनस टू पर टू, माइनस थ्री पर थ्री, और एक ये चला जाता है जिसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो वी शेप जा रही है, दिस डिनोट्स द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। जल्दी से रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपको बताया मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, उसमें इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है, दो बार लगाकर एक्स। इसका जो प्रैक्टिकल मतलब है वो क्या है कि इस साइन के अंदर जो भी नंबर आएगा वो बाहर आकर पॉजिटिव हो जाएगा मोटे तौर पर। लेकिन जब इस फंक्शन को यूज़ करने की बात आएगी ट्वेल्थ क्लास में, जब आप इस पर कॉन्टीन्यूटी, डिफ्रेंशिएबिलिटी वगैरह की चेक करोगे, वन वन ऑन टू चेक करोगे, तो वहाँ पर फिर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा जो इनपुट है इसमें डलने वाला नंबर पॉजिटिव है या जीरो है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें डलने वाला नंबर अगर हमारा नेगेटिव है तो वो अपना भी नेगेटिव होके यानी ओवरऑल पॉजिटिव होके बाहर आएगा। इसका डोमेन एवरी रियल नंबर है, इसकी रेंज जीरो या जीरो से ग्रेटर है, और ये हमारे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है।
नेक्स्ट है बेटा जी हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम अब नाम बड़ा अजीब सा है, मैं इसको आपको सिग्नल के सेंस में समझाती हूँ। देखिए जब आप वहाँ पर जाते हैं ट्रैफिक लाइन क्रॉस करते हैं अपना, तो वहाँ पर आपकी लाइट्स लगी रहती हैं रेड ग्रीन और येलो, ठीक है। तो रेड ग्रीन और येलो तीन लाइट्स लगी रहती हैं। उसी तरह से कुछ इस फंक्शन का भी नेचर है कि एनी फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, पहले फंक्शन ही समझाऊंगी मैं क्या है, गिवन बाय, ध्यान देना है कि ये कैसा फंक्शन है कि देखो एक्स में बार बार आपको बता रही हूँ कि हमारा जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है, कोडोमेन भी रियल है, रियल को ऐसे शो कर लो या रियल को नंबर लाइंस पे आप शो कर लो। तो हमने अभी लास्ट मॉडल्स में भी मैंने बताया है कि रियल्स को मैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, आइदर जीरो, कोई नंबर अगर है तो वो नंबर भैया तो जीरो होगा, या वो नंबर जीरो से बड़ा होगा, या वो नंबर जीरो से छोटा होगा। तो यही हमारे फंक्शन का नेचर है कि अगर हम इस इनपुट में कोई नंबर जीरो से बड़ा डालते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज वन आएगा। मैं इस बात को टेबल से साथ साथ आपको बताना चाहूँगी। इसके लिए ना सिग्नम के लिए कोई पर्टिकुलर साइन नहीं है सिग्नम फंक्शन के लिए। तो ये देखें कि अगर मैं x के प्लेस पर जीरो से बड़ा कोई नंबर डालती हूँ, ध्यान देना है मैंने वन डाला तो आंसर वन, टू डाला आंसर टू नहीं आएगा, जीरो से बड़ा कोई भी नंबर डालो आपका आंसर वन आएगा, थ्री डालो आंसर वन आएगा, फोर डालो वन आएगा, फाइव डालो वन आएगा, सिक्स डालो वन, कॉन्स्टेंट हो गया ये, जम गया, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। जीरो से बड़ी इसको कोई वैल्यू दे दो ये वहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जीरो वैल्यू डालते हैं तो फंक्शन इट्सेल्फ जीरो हो जाता है, ठीक है। और जीरो से छोटी वैल्यूज डालते हैं तो फंक्शन हर बार माइनस वन पर अटक जाता है। समझ रहे हो, अपने ढंग से कैसे भी आप इस बात को याद रख सकते हो। जैसे तीन सिग्नल होते हैं ना, तो इसके भी तीन ही सिग्नल हैं, इन तीन पे इसकी बत्ती अटक जाती है, या तो जीरो पे या एक पे या माइनस वन पे। जैसे आपकी येलो ग्रीन और रेड लाइट्स होती हैं सिग्नल पे, ऐसी इसकी भी ये तीन ही लाइट्स हैं। जीरो पे ये जीरो है, ठीक है भाई, इसके अंदर जीरो डालोगे जीरो बाहर निकाल देगा, ऐसी मशीन है ये, ख़राब मशीन है, आप ऐसे मान के चलो। थोड़ा मज़ा लेके क्वेश्चन को किया करो, मैथ्स को थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझोगे तो आएगा, रट्टा लगाने से मैथ्स कभी नहीं आता। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि फंक्शन एक मशीन सी है, ठीक है भाई। मशीन आपने भाई देखो, हम बस स्टैंड पे पहले जाते थे तब ना एक वेइंग मशीन होती थी, उसमें हम सिक्का डाल देते थे तो हम अपना उस पर वेट करते थे, तो एक टिकट बाहर निकल के आता था जिसपे हमारी वेट भी और हमारा कई बार ना ये जन्म कुंडली भी और बहुत सारी चीज़ें लिखी आती थी, ठीक है। और आजकल तो ऐसी ऐसी मशीन्स हैं कि जिनमें आप पैसे डालो तो आपके रैपर्स चिप्स के भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी, सब कुछ बाहर आ जाता है। तो ये भी एक मशीन है, इस मशीन में आप जब भी कुछ डालोगे फंक्शन में तो कुछ ना कुछ बाहर ज़रूर निकलेगा। वो इसके नेचर पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी की ये मशीन है। अगर इस मशीन में आप x डालते हो जो कि जीरो से बड़ा है तो इसने रिटर्न में वन दे देना है, अगर आप इसमें जीरो डालते हो तो इसने रिटर्न में जीरो दे देना है, और जीरो से कम नंबर डालते हो तो इसने भी आपको रिटर्न में जीरो से कम माइनस वन दे देना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा ये मशीन आपको कुछ भी नहीं दे सकती। अब यहां देखो एक बात मैं बार 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 क्लियर कर रही हूं कि डोमेन रियल है, तो रियल का मतलब खाली वन नहीं है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, अप टू इनफिनिटी है। वो हम अब बस कन्वीनियंस के लिए उनको बीच में राइट नहीं करते हैं। मान लो मैंने यहां 2.9 लिख दिया तो भी वन आएगा, अगर मैंने यहां आपके लिए 6.9999 लिख दिया तो भी मेरा आंसर वन ही आने वाला है। गॉट इट, सेम हेयर और यहां, क्लियर है। तो ये एक फिक्स फंक्शन है कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करते हैं तो हर बार हमारा आंसर वन आएगा, इसमें जीरो डालते हैं तो आंसर जीरो आएगा, और अगर हम जीरो से लेस नंबर देते हैं तो आंसर हर बार माइनस वन आएगा। तो जब हम इस फंक्शन के डोमेन का मतलब एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, और रेंज का मतलब वाई के क्या क्या आंसर आ सकते हैं, क्या क्या आंसर आएंगे, तो डोमेन आपको क्या दिखाई दे रहा है, डोमेन में तो कुछ भी रख लो। मैंने क्या बताया था, फाइनाइट डेफिनेट और रियल होना चाहिए, आपका आंसर तो फाइनाइट भी है, डेफिनेट भी है, रियल भी है। तो जो हमारा डोमेन है वो तो सारे के सारे रियल नंबर्स हो गए, लेकिन रेंज की बात करूं तो वाई का आंसर क्या आ रहा है,
इधर y का आंसर हर बार 1 आ रहा है, इधर हर बार -1 आ रहा है, इधर केवल 0, इन तीन के अलावा y की कोई और वैल्यू नहीं आ रही है, तो जो हमारी रेंज होगी वो -1, 0 और 1 ही होगी सिग्नम फंक्शन की। एंड नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। जैसे सिग्नम से सिग्नल पे आ जाना, जैसे ट्रैफिक लाइट के तीन ही सिग्नल होते हैं, ऐसे सिग्नम फंक्शन की भी तीन ही वैल्यू होती हैं। अब ये थोड़ा सा आप ध्यान दें कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इनका। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अभी एक्स की वैल्यूज तो चेंज हो रही है ना, एक्स पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वाई आपका या तो 1 है या -1 है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं, ये एक्स वाई वगैरह आप लिख लिया करो भाई इन पे, 0 पे 0, तो 0 पे 0 एक तो ये आ गया, ठीक है। 1 पे 1, 1 पे 1, ठीक है भाई, और 1.1 पे भी 1, और भाई 2 पे भी 1, और भाई 3 पे भी 1, 4 पे भी 1। अच्छा अभी एक बात और देखो, 0 तो हो गया, एक आप सेट्स याद करिएगा, सेट्स में मैंने आपको इंटरवल बताया था कि मैंने लिख दिया कि 5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, और इसे नंबर लाइन पे अगर मैंने प्लॉट करना है तो हम क्या करते हैं, 5 इंक्लूड नहीं है तो 5 पे तो ओपन सर्कल लगा देते थे और 7 पे क्लोज्ड सर्कल लगा कर ये डार्क कर देते थे, जिसमें एक्स हमारा क्या होता था, अगर रियल नंबर होता था तो। याद आ रहा है इंटरवल का कॉन्सेप्ट। अब आप यहाँ देखो कि भाई 0 पे तो 0 हो गई, व्हाट अबाउट ग्रेटर देन 0? 0 के बाद क्या कोई नंबर ही नहीं आता? 0 और 1 के बीच में क्या कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता? 0 पे वैल्यू 0 है तो 0.1 पे क्या आएगी वैल्यू? 0.1 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े के लिए हमारा आंसर 1 आएगा। तो यहाँ अब आपने ध्यान रखना है कि 0 पे 0, लेकिन 0 से जस्ट आगे भी ये 1 है, तो इस चीज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसके लिए आप यहाँ पर एक ओपन सर्कल लगा दो बेटा। ओपन सर्कल का मतलब है कि भाई 0 पर हमारी वैल्यू 0 ही है, इसको थोड़ा डार्क कर लीजिएगा, ठीक है। 0 पर तो हमारी वैल्यू 0 है, लेकिन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारी वैल्यू थ्रू आउट 1 चल रही है, यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन चल रही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे ये पता लगेगा कि 0 पे 1 नहीं है। एंड सेम हेयर, -1 पे -1, -2, सब पे -1 है, लेकिन यहाँ पर ये -1 नहीं है। तो एक ओपन सर्कल आप यहाँ लगाइएगा और ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का। ऐसे हर चीज़ को लाइटली नहीं लेना, आप सोचो कि दो लाइन जैसे ड्रॉ कर दी, नहीं, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। हर रियल नंबर पे वैल्यू दिख रही है कि 0 पे 0 है, 0 से थोड़ा बढ़ते ही 1 चला जा रहा है, और 0 से थोड़ा छोटा होते ही सारी वैल्यूज़ -1 पे जा रही हैं, क्लियर है। तो ये है आपका सिग्नम फंक्शन, और ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है बेटा जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर हमारे लिए बिल्कुल न्यू नहीं है, इंटीजर्स अगर आप भूल गए हैं तो आप याद करें कि इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें हमारे सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और 0 इंक्लूड होती है। तो इंटीजर्स हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंटीजर चल रहा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इसका क्या मतलब है, तो देखते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं कि f एक फंक्शन है R से R तक, और इस फंक्शन को fx की जो वैल्यू है वो ये होगी, ठीक है, ये होगी। ये क्या लिख दिया मैंने, ये एक ब्रैकेट लगा दी मैंने। आप कहोगे आप तो हर बार ब्रैकेट चेंज करते रहे, बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल में हमने यूज़ की थी, लेकिन यहाँ अगर ये सिंगल नंबर पर लग रही है तो इट इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये ऐसे लिखा होता 2.5, तो हमें पता था कि ये एक इंटरवल है जिसमें 2 भी है, 5 भी है, बीच के सारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन अगर यहाँ ऐसे लग रहा है तो इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, मैं पहले इसको लिखती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। एन इंटीजर लेस देन, ध्यान देंगे, एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स which is greatest, थोड़ा सा मैं खोल के लिखना चाह रही हूँ, which is greatest। यहाँ भी लिख सकती थी greatest integer, यहाँ भी लिख देते हैं कई बुक्स में कि greatest integer
लेस देन और इक्वल टू एक्स ऐसे भी लिख देते हैं कई जगह पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, या अभी मैं समझाऊंगी, आप हिम्मत रखिए समझाऊंगी, डरना नहीं है कि क्या बता दिया ये मैंने, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एन इंटीजर विच इज लेस देन एक्स बट ग्रेटेस्ट, क्या मतलब है भाई इस बात का, ठीक है अब इस बात को समझते हैं। कुछ भी आपने ये रटना नहीं है, याद नहीं करना है, जस्ट एग्जाम्पल समझे। देखिए पहले तो मैं एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं, हर बार ये तीसरा क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें मैं आपके लिए यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और बीच के बहुत सारे पॉइंट्स, हम बीच के बहुत सारे पॉइंट्स को लेते हैं। पहले मान लीजिए मैंने एक्स को ले लिया 1.7 और मैंने ये लगा दिया, 1.7 पर मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, एन इंटीजर, इसका आंसर एक इंटीजर होगा विच इज लेस देन एक्स, एक्स का मतलब 1.7 से छोटा, ठीक है इसके अंदर 1.7 है तो इस ब्रैकेट के अंदर 1.7 आने का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.7, जिसका मतलब है 1.7 से छोटा इंटीजर लेकिन सबसे बड़ा हो। अब ये क्या कहानी है, यही कहानी बस आपने समझनी है, 1.7 कहाँ हुआ, ये हो गया भाई 1.7, ठीक है भाई, ठीक है अब 1.7 से छोटे इंटीजर बता दो आप मुझे। देखो यहाँ पकड़ आपकी नंबर सिस्टम पे सारी होनी चाहिए कि अगर मैं 1.7 से छोटे इंटीजर्स बात करती हूँ तो क्या एक ही इंटीजर होगा 1.7 से लेस, 1.7 से लेस तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, कौन कौन से हैं, लेस, लेस का मतलब हमेशा बाईं तरफ जाना होता है नंबर लाइन पे, तो 1.7 से छोटा इंटीजर, फिर इंटीजर कह रही हूँ मैं, 1 है फिर 0 है -1 है -2 है -3 है -4 है एंड सो ऑन, यानी कि देखो डेफिनेशन पे आना, एन इंटीजर विच इज लेस देन एक्स, एक ऐसा इंटीजर जो एक्स से यानी इससे लेस है, तो उससे लेस तो बहुत सारे इंटीजर हैं बट ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब इन सब में जो सबसे बड़ा है, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है, ठीक है ना, 0 से छोटा हो गया। आपको जो भी नंबर इस ब्रैकेट में दिया जाए आपने उससे पहले, जस्ट पहले जो इंटीजर आता है बाईं तरफ वो आपने राइट करना है, गॉट इट। अभी मैं यहाँ दो क्वेश्चंस पैरेलल लेके चलती हूँ, कैसे, एक मैं लेती हूँ -1.7, ठीक है अब -1.7 ये -1 है 1.5 है तो भाई ये हो गया आपका -1.7। अब मैं बात करूँ इंटीजर्स लेस देन -1.7 तो ये बड़े देखने की चीज़ है, यहाँ आपने दिमाग खर्च करना है, -1.7 यहाँ है तो इससे छोटे इंटीजर इसके लेफ्ट में ही मिलेंगे राइट में नहीं मिलेंगे, तो ये होगा -2 -3 -4, तो ये बनेगा बेटा -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड, और इनमें सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा -2, इनमें सबसे बड़ा -2, तो यहाँ अब आंसर ध्यान देना है भाई, 1.7 को मैंने इस ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब 1.7 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है, 1.7 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं, लाखों हैं, उन लाखों में जो सबसे बड़ा है वो हमारा आंसर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी नई नई चीज़ है, 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपने आप करिएगा समझ आएगा, या फिर शॉर्ट ट्रिक में बता रही हूँ लेकिन डेफिनेशन समझनी बहुत ज़रूरी है कि 1.7 की वैल्यू निकालने तो उससे जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर है वो आपका आंसर होगा, तो 1.7 का आंसर 1 होगा लेकिन -1.7 से जस्ट पहले लेफ्ट में, ऐसे सामने खड़े हैं तो ये लेफ्ट है, ठीक है ना, सामने हम खड़े तो हमारा लेफ्ट देखना है, तो वो आपका -2 है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ 0.5 की और -0.5 की, ठीक है भाई ध्यान देना, ये 0 है ये 0.5 है, तो 0.5 की ग्रेटेस्ट, ये खुद इंटीजर नहीं है, लेस देन और इक्वल टू एक्स लिखा था मैंने, लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यों लिखा था कि अगर इसके अंदर 1 होता, इस केस को भी डिस्कस कर लो, मैं बीच में कुछ और डाल देती हूँ कई बार,
कि वन होता तो वन तो खुद इंटीजर है, तो अगर वो खुद इंटीजर है तो उसका आंसर वन ही आएगा, उससे लेस नहीं जाएंगे फिर हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स का मतलब जो अंदर डल रहा है, अंदर डलने वाले नंबर के इक्वल अगर वो खुद इंटीजर है तो, अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे छोटे वाला इंटीजर। बात समझ आ गई। तो वन के लिए वन होगा, माइनस टू की इमेज माइनस टू होगी, लेकिन जब डेसिमल में आंसर क्वेश्चन आ रहा है तो उसके जस्ट आपने लेफ्ट में जाना है। तो 0.5 के लेफ्ट में क्या है, जीरो है, लेकिन जब मैं माइनस 0.5 की बात करती हूँ तो उसके लेफ्ट में माइनस वन है। यहाँ पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं 1.9 ले रही हूँ तो भी मेरा आंसर वन ही आएगा। अगर मैं बात करती हूँ 5.99999, हर रियल नंबर डाल सकती हूँ मैं, हर रियल नंबर, रैशनल इरेशनल सारे, तो 5.99999 यहां आ गया, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 5 होगा। लेकिन अगर मैं -5.9999 डालती हूं तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर -6 होगा। तो ये नंबर लाइन की पिक्चर एवरी टाइम आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स आप ट्राई करें, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को ज़रूर शेयर करना, मैं और बेहतर तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको ये समझा सकूँ। थोड़ा चलो नंबर लाइन तो ड्रॉ नहीं की मैंने, टेबल नहीं बनाई। अभी हम बात कर रहे थे, ये तो बस फंक्शन आ गया, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे हमने अदर फंक्शंस को डिफाइन किया था, ये नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन की और इसकी रेंज की। डोमेन का मतलब मैं फिर बता रही हूँ, अभी मैंने बोला सारे नंबर्स डल सकते हैं अंदर, डल जाएंगे, तो डोमेन तो आर हो गया, लेकिन रेंज पे थोड़ा सा फोकस करो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये मैं देखो टेबल भी साथ साथ बना रही हूँ, तो रेंज अपने आप पता लग जाएगी आपको, ठीक है भाई। टेबल बनाते हैं, जीरो पे वैल्यू जीरो, ध्यान देना, 0.5 पे भी वैल्यू जीरो, ध्यान देना, 0.9 पे भी वैल्यू जीरो, 1 पे वैल्यू, भाई 1 तो खुद इंटीजर है तो 1 आ जाएगी, 1.1 पे भी वैल्यू 1 रहेगी, और बेटा जी 1.9 पे भी 1 रहेगी, 1.9 का 2 नहीं बन जाएगा, 1.9 यहाँ है और उससे छोटा इंटीजर 1 है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है बात को। फिर 2 पे वैल्यू 2 आ जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव में आऊँ तो -0.5 पर वैल्यू आपकी, ये है आपका माइनस का 0.5, तो इस पे आपकी वैल्यू -1 आ रही है, -1 पे -1 आ रही है, -1.1 पे भी -2 आएगी, मैं भी गलती कर जाती अभी, -1.1 है तो उससे लेस वैल्यू -2 आएगी, -1.9 लोगे तो -2 आएगी एंड सो ऑन। तो डोमेन में तो चाहे आप रैशनल डाल लो, इरेशनल डाल लो, कोई भी डाल लो, लेकिन रेंज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, जीरो, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, यानी पूरा नंबर आ रहा है, पूरा का मतलब ये क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहे हैं, तो हमारी जो रेंज होती है इस फंक्शन की वो इंटीजर्स होते हैं, और ये टेबल है। अब मैं आपको इसका ग्राफ बताने जा रही हूँ, ग्राफ, अब ये टेबल आपके सामने, इसका ग्राफ भी लास्ट वाले की तरह हमने थोड़ा सा ध्यान से प्लॉट करना है, क्योंकि मिनट मिनट में टूट रहा है इसका ग्राफ, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, बस यहीं तक ले लेते हैं, 1, 2, और भाई -1 और -2, ध्यान देना है, 0 पे 0, 0.5 पे 0, 0.9 पे 0, ध्यान से समझना, 0 पे 0, 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0, 0.9 पे भी वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन जब 1 की बात करूं तो 1 पे वैल्यू 1 है, ठीक है, 1.1 पे भी 1 है, और ये 1.2 से जस्ट पहले, 1.9 नहीं होता है, 2 से जस्ट पहले कोई भी नंबर हो, लेकिन उस पर हमारी जो इमेज है वो 1 ही आएगी, लेकिन 2 पर वैल्यू 1 नहीं आएगी। अब इस बात को कैसे शो करूं, तो 2 पर वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो 2 और 1 को मिलाकर यहाँ ओपन सर्कल लगाया और ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसे हमने दिखाना है, टूट टूट के इस ग्राफ को तोड़ तोड़ के,
कि भाई वन पे वन है लेकिन टू पे वन नहीं है तो सर्कल लगा दिया। अब टू पे वैल्यू टू है, टू पे टू है लेकिन थ्री पे टू नहीं है तो सर्कल लगा दिया और बाकी सब पे ये रहेगी। तो ऐसे आपका ग्राफ चलेगा। और माइनस वन पे अब ध्यान देना है, यहाँ सब पे वैल्यू माइनस वन है, देखो यहाँ पर जीरो पर वैल्यू माइनस वन नहीं है तो यहाँ लगाएंगे और माइनस वन पर माइनस वन है तो यहाँ तक ये ऐसे चलेगा ग्राफ आपका, अंडरस्टैंड। अब माइनस टू पे वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस टू पे वैल्यू माइनस वन, ये गलत तो नहीं कर गई मैं, एक मिनट भाई, नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो माइनस वन पे, यस हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस वन पे वैल्यू माइनस टू नहीं होती है लेकिन माइनस टू पे वैल्यू टू होती है और बाकी इन सब पे ना, माइनस वन पॉइंट वन पे, वन पॉइंट टू पे, माइनस वन पॉइंट थ्री पे, माइनस वन पॉइंट नाइन पे, सब पे वैल्यू माइनस टू रहेगी। तो बेटा ये आपका ग्राफ ऐसे बनता है। और कौन सा फंक्शन है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आपके टोटल थे 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, उनके डोमेन और उनके रेंज और उनका ग्राफ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मैं आगे भी कराने की मेरी सलाह थी बट लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराती हूँ। कोई भी डाउट आपको इसमें रहता है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इफ़ यू लाइक माय लेक्चर्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।